आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पनीर बर्गर। इसे बनाना बहुत आसान है, कोई टिक्की विक्की बनाने की झंझट नहीं है। आप इस तवा पनीर बर्गर को फटाफट बना सकते हैं और इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो चलिए आज की मज़ेदार तवा पनीर बर्गर की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तवा पनीर बर्गर बनाने के लिए तवे पे हम 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पे ये 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 4 लहसुन कटा हुआ, 1 बड़ा प्याज और 100 ग्राम पनीर के मैंने छोटे क्यूब्स किए हैं। तो तेल के गरम होते ही हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे और इन दोनों को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इस तवा बर्गर में शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को छोड़ दें। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये टमाटर डाला मैंने। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। टमाटर का पेस्ट नहीं बनाना है, टमाटर को हल्का ही पकाना है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दें और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने दें। तो प्याज टमाटर को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच सेजवान चटनी डाल दें और 1/2 बड़ा चम्मच यहाँ पर रेड चिली सॉस। इन तीनों को हम मिला देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये मिलाने के बाद इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। तो सॉस जैसे ही प्याज टमाटर में मिक्स हो जाएगा हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। तो पनीर के मैंने बहुत छोटे टुकड़े किए हैं, आप देख सकते हैं। नमक डाल दें। ध्यान रहे हम इसमें चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिसमें नमक रहता है, प्लस सॉस में भी नमक रहता है, तो नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर इसे ऐसे छोड़ दें। तो यहाँ पे हमने पनीर को प्याज टमाटर के साथ थोड़ा सा पका लिया है। अब हम इसमें हरा प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हरा प्याज और 1/4 कप घिसा हुआ चीज़ डाल देंगे। आप इसमें कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मिला दें इसे। चीज़ डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसे तवा से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम मेल्ट हो जाने देंगे और ये देखिए चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी बर्गर की स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देंगे और सेम तवे पे 1 छोटा चम्मच बटर डाल दें। बटर को मेल्ट हो जाने दें। अब हम ये जो बर्गर का बन है उसे सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बर्गर का बन कटा हुआ मिलता है और नहीं मिले तो ऐसे काट लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे तवे पे ऐसे उल्टा रख देंगे। मैं यहाँ पे 2 बर्गर बनाने वाली हूँ तो दोनों को मैंने ऐसे कट कर लिया और उसके बाद सेंटर से हम इसे टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने और इसे हल्का सा टोस्ट कर ले। बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, नहीं तो बंस जो है वो थोड़े कड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और यहाँ पे हमने बन को टोस्ट कर लिया है प्लस मिक्सचर हमने बना के रखा है। तो अब हम चलते हैं बर्गर बनाने के प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे बर्गर बन का जो ऊपर वाला स्लाइस है वो ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने पनीर चीज़ का मिक्सचर बनाया है ये लगा देंगे। मैं यहाँ पे उल्टा स्टफिंग कर रही हूँ, यानी कि जो ऊपर वाला स्लाइस है उसके ऊपर ये डाल रही हूँ ताकि स्टफिंग जो है वो अच्छे से हो। तो यहाँ पर ये मिक्सचर लगा दिया मैंने और सेम प्रोसेस से ये दूसरे बन में भी पनीर का मिक्सचर हम लगा देंगे। नॉर्मली जब भी हम बर्गर बनाने का सोचते हैं तो टिक्की बनाने में बहुत ही आलस आता है, तो इस बर्गर में आपको टिक्की नहीं बनाना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1-1 चम्मच दोनों के ऊपर मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मेयोनीज डालने के बाद हम इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तो इस बर्गर में हमने चीज़, पनीर, चाइनीज सॉस प्लस ये मेयोनीज यूज़ किया है, तो आप टेस्ट तो इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर टमाटर और प्याज के स्लाइसेस लगाएंगे जो हम नॉर्मली बर्गर में लगाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 टमाटर के स्लाइस और इसके बाद ये प्याज के स्लाइस, आप इसमें शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं ऐसे। प्याज टमाटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देंगे। तो यहाँ पर 1-1 चीज़ का स्लाइस रख दें और लास्ट में बन का ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर रख दें। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने उल्टा ये रखा था। अब हम क्या करेंगे कि इसे फ्लिप कर देंगे। तो ये हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी इस बर्गर को हम थोड़ा सा और टोस्ट करेंगे। तो ले चलते हैं तवे की तरफ। तो तवा गर्म करके 1 छोटा चम्मच बटर डाल दें और इसके बाद बटर को ऐसे स्प्रेड कर दें। अब हम ये जो बर्गर है उसे हल्का सा और टोस्ट करेंगे दोनों साइड से। इससे क्या होगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगा प्लस ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, बस हल्के साइड से दोनों तरफ से आप टोस्ट कर लें और इसके बाद एक बार इसे पलट दें। इससे क्या होगा, बर्गर दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। ये आप देख सकते हैं, पहले ब्रेड जो है वो सूखा सूखा लग रहा था और अभी ये ग्लॉसी, मतलब थोड़ा अपीलिंग लग रहा है ना।
और चीज़ जो है वो साइड से मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं और ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है और ये हमारा मज़ेदार तवा पनीर बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। इस बर्गर में आपको टिक्की वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस तवे पे पनीर चीज़ को फ्राई करें और फटाफट आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए है ना मज़ेदार। तो आप इस तवा बर्गर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।